हेलो फ्रेंड्स, आज हम रखे हैं गांधी पार्क और यहाँ हम कुछ लोगों से क्वेश्चंस करेंगे। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप भी अपना माइंड लगाइएगा। अगर आप उसको समझ गए हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझते तो वीडियो को पूरी देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। हमारा क्वेश्चन है, एक घर में मतलब एक बंगलों में आग लग गई है और उसके पास में एक झोंपड़ी है उसमें भी आग लग गई है, तो एम्बुलेंस आकर सबसे पहले किसकी आग बुझाएगी? ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। एक बंगलों में आग लगी है, एक झोंपड़ी में आग लगी हुई है, तो एम्बुलेंस आकर पहले किसकी आग बुझाएगी? अगर आप आंसर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो वीडियो को एंजॉय कीजिए। आज का हमारा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, एक बंगलों में आग लग गई है और उसके बगल में एक झोपड़ी है उसमें भी आग लग गई, तो एम्बुलेंस पहले किसकी आग बुझाएगी आकर, बंगले की या झोपड़ी की? पहले किस पे लगी थी? झोपड़ी की जल्दी बुझ जाएगी ना। पहले एक बंगले में लगाई है और एक झोपड़ी में लगाई है, एम्बुलेंस की गाड़ी आती है सबसे पहले किसकी आग बुझाएगी? झोपड़ी की, वो तो पहले जल्दी बुझ जाएगी ना, ना शेषम? झोपड़ी ना, झोपड़ी झोपड़ी पक्का। अब मान लो बंगलों में 20 लोग फंसे हुए हैं, अपनी कंडीशन झोपड़ी में लोग कितने हैं? मान लो झोपड़ी में एक भी बंदा नहीं है, बंगलों में 20 बंदे हैं, तो बंगलों की बताएंगे ना, पहले बंगले की बुझाएगी? पक्का लॉक कर दिया जाए? मुझे तो झोपड़ी बचाना है। पक्का? बिल्डिंग में बाय रीजन झोपड़ी भी तो है, झोपड़ी में भी तो आग लगेगी, बट ये है कि वहाँ पे हो सकता है कि कम लोग हो, जो बिल्डिंग है वहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंट सामान हो, ज्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं मतलब जिनकी सामान में जरूरत है, तो पहले वो वहीं पे जाएंगे। आप भी इसी चीज से एग्री हो भाई? झोपड़ी में भी लोग होंगे, क्योंकि झोपड़ी में एक मतलब कम लोग होंगे, हो सकता है कि वहाँ पे कोई हो ही ना, हो सकता है झोपड़ी में पहले आग जल्दी फेंकती है। हाँ, वो भी है, झोपड़ी में तो तुरंत जल जाते हैं, बिल्डिंग में तो टाइम भी लगता है। लेकिन मेरी तरफ से भी ये है कि मतलब जब झोपड़ी में आग लग चुकी है तो वो तो बुझना मुश्किल है, ठीक है, जब बिल्डिंग को बचाना है तो वो तो ये है कि उसमें धीरे धीरे लग रही है तो उसे हम बचा सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं। अच्छा। तो झोपड़ी का तो ये है कि जब लगी गई तो लगी गई। ये तो है। फर्स्टली झोपड़ी। क्यों? रीजन तो पूरा। आई डोंट नो। क्या हो सकता है? सोचो थोड़ा। ऐसा होगा ना कि हम लोग पहले स्मॉल प्लेस को हम बचा सकते हैं, देन आफ्टर बंगलो। लेकिन उनकी क्या थिंकिंग रहेगी, मान लो बंगलो में 20 बंदे फंसे हुए हैं, झोपड़ी खाली पड़ी हुई है। ओके, यू हेल्प मी ना, यू शुड हेल्प मी। बताइए, कोई नहीं, आप ट्राई कर सकते हो, कोई भी। सॉरी, जो प्रेजेंट ट्रेंड है वो तो बंगले के भी बुझाएंगे। कैसे? प्रेजेंट गवर्नमेंट ट्रेंड जो है अभी, हाँ जी, जो पहले वो बंगले वाले को सेव करे, झोपड़ी वाले को कौन परवाह करेगा? तो एम्बुलेंस उसकी आग क्यों नहीं बुझाएगी? बुझाएगी, मैंने कहा नहीं बुझाएगी। अच्छा। पहले किसकी बुझाएगी आपने पूछा ना। अच्छा चलो, बंगले में कोई नहीं है, झोपड़ी में 20 लोग फंसे हुए हैं, तो एम्बुलेंस पहले किसकी आग बुझाएगी? वो तो अगर एम्बुलेंस वालों को मालूम है कि मतलब उसमें से आवाज़ नहीं आ रही, झोपड़ी से आवाज़ आ रही है, नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, हो सकता है कि बंगले वाले में आवाज़ ना आ रही हो और झोपड़ी वाले में आवाज़ आ रही हो, कि आदमी है कि नहीं वो तो दैट इज नॉट कन्फर्म। हाँ जी, तो पहले वो ट्राई करेंगे बंगलों को बुझाने के, उसके बाद झोपड़ी वाले की आवाज़ सुनेंगे, वहाँ भी जाएंगे। तो आपका आंसर ये है कि एम्बुलेंस पहले बंगले की आग बुझाएगी? हाँ, बस जस्ट ट्रेंड है, गवर्नमेंट ट्रेंड, पब्लिक ट्रेंड, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेंड, जो हमारा आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी लुकआउट है, जो हमारी फीलिंग है, तो मेरे हिसाब से ऐसे करेगी। तो आपका जवाब लॉक कर दिया जाए? कुछ नहीं, हमें कुछ आमते हम सिंपली टेलिंग माय व्यूज, आई एम नॉट टेलिंग अ रॉन्ग और राइट। आप जो आप सोचो, मैंने आपको बोला था कि हमारा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो हमारे क्वेश्चन के अंदर आंसर छुपा हुआ है, तो हमारा आंसर है कि एम्बुलेंस के भी आदमी बुझाते हैं। आपके हिसाब से झोपड़ी की बुझाएगी? मेरे मैं बता दूँ आपको, एम्बुलेंस के भी आग ही नहीं बुझाती। एम्बुलेंस के भी आग नहीं बुझाती है। तो इसका आंसर ये था, एम्बुलेंस कभी आग नहीं बुझाती है। दो बार आपको बोला था। मैंने तो सोचा था कि मतलब किसको बचाएंगे, झोपड़ी की? क्यों? झोपड़ी वाला गरीब होगा, गरीब है तो झोपड़ी की इसलिए बुझाएगा कि वो झोपड़ी उसकी होती है, उसकी क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। हाँ हाँ, इसलिए क्यों, उसके बचने से अगर आग जैसे क्या बोलते
बंद हो जाएगी, जैसे उससे मतलब झोपड़ी में मतलब बुझाने से कहीं दूसरी जगह आग फैलेगी नहीं, इसलिए झोपड़ी में पहले बुझाने चाहिए। अच्छा, एक जगह पर खाली बंगलो और झोपड़ी ही है खाली, कोई तीसरा कुछ है ही नहीं, सिर्फ वही दो लोग हैं, मतलब दो घर हैं वहाँ पर, एक झोपड़ी वाला एक बंगलो वाला, फिर क्या कंडीशन रहेगी, फिर भी सेम सिचुएशन रहेगी? फिर तो उसको बंगले की बुझानी चाहिए, दोनों का ही बुझाना चाहिए ऑप्शन पहले एक बार पाइप एक ही है ना। अच्छा अच्छा, एक ही है। तो मेरे तरफ से तो झोपड़ी की बुझानी चाहिए। भाई जी, आपकी तरफ से क्या? मेरे तरफ से बंगले, क्योंकि बंगला बहुत बड़ा है। हाँ जी, लोबा फंस सकते हैं, झोपड़ी छोटी होती है उसके तो निकल के भाग सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए बंगले की बुझाना चाहिए। भाई जी, आपका भी क्या क्वेश्चन आंसर रहेगा? मुझे तो झोपड़ी की, झोपड़ी की रहेगी। आप तीनों ही गलत हैं। पूछो क्यों, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस आग नहीं बुझाती। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, हाँ 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 एम्बुलेंस कभी आग बुझाती देखी आप लोग? नहीं करे तो आप कॉमन सेंस के क्वेश्चन में फेल हो चुके हैं। बंगलो या झोपड़ी? झोपड़ी। झोपड़ी झोपड़ी आपके में क्या ख्याल है भाई जी? आई थिंक बंगलो। बंगलो रीजन? शायद झोपड़ी ऐसी जगह पे बनी होगी जहाँ सड़क भी ना हो, और बंगलो ऐसी जगह दोनों पास पास में है, दोनों पास ही है, बिल्कुल एक साथ ही है। झोपड़ी बचानी पड़ी पहले ना, तो एम्बुलेंस आकर खड़ी होगी। अब ऑप्शन उसके पास है कि पहले किसकी बजाय? आई थिंक बंगलो बजाएगा। बंगलो? हाँ। आपका भी? झोपड़ी। झोपड़ी रीजन दीजिए। झोपड़ी बजानी पड़ी क्योंकि नहीं तो पूरी जल जाएगी वो। जल तो गई झोपड़ी, तो एक बार जलने के बाद खराब ही हो जाती है, यूजलेस हो जाती है जलने के बाद तो। ये तो है। हाँ, तो पहले किसकी बजाएगी? बंगलो। बंगलो की? लॉक कर दें? लॉक कर दे भाई जी। बिल्कुल लॉक कर दीजिए। लॉक कर दीजिए। आंसर चेंज नहीं होगा? नहीं। आप तीनों ही गलत थे। आप पूछो क्यों? 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 भाई जी, आप भी पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस कभी आग नहीं बुझाती, देखो वो जा रही है एम्बुलेंस। ये लोल क्या हो गया ये तो? आग बुझा दी एम्बुलेंस, कभी देखा है आपने? क्यों भाई जी? बंगले को क्यों? झोपड़ी में क्या होगा, बंगले में होगा जो भी होगा। आपके हिसाब से किसकी आग बुझाएगी? बंगले की बुझाएगी। पक्का? पक्का बंगले। श्योर? श्योर। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर। झोपड़ी वाले मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क पड़ता है। मान लो बंगले में कोई नहीं है, झोपड़ी में 20 लोग हैं, बताऊंगा उसमें प्रॉब्लम ये, उसमें मेन बात ये नहीं है कि वो ना, हमारी जो ह्यूमन सेंस होता है ना वो सबसे बुरी बुरी चीज है। अच्छा। हमें ये लगता है कि झोपड़ी में कुछ नहीं होगा। अच्छा। चाहे उसके अंदर लोग जल रहे हो, हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर अगर बंगले में कुछ भी नहीं चल रहा होगा ना, हमें दिखता है कि बड़ा है। अच्छा। मतलब जो हमारी एक मेंटेलिटी बनी हुई होगी कि भाई इसके अंदर ही पक्का कुछ होगा कि बड़े आदमी का होगा। हाँ। अगर हमने इसे पहले नहीं बुझाया तो हमारी पीछे से होगी वो सोई वाली नहीं हो जाएगी। हाँ, बस और कुछ नहीं होगा। लॉक कर दिया जाए, बंगले की बुझाएगी। हाँ, पक्का बंगले की। तो भाई जी, इनका कहना है कि अगर आग जो है सबसे पहले बंगले की बुझाई जाएगी, एम्बुलेंस किसी चीज़ की आग नहीं बुझाएगी, पहले बंगले की बुझाई जाएगी। एम्बुलेंस आग नहीं बुझाती। तो जा कहाँ रहे हो? यहाँ हो यार, इधर आओ यार, इधर भाग कर रहे हो, सही है ना? एम्बुलेंस आग नहीं बुझाती। क्यों? क्यों? झोपड़ी में सबसे पहले आग लग रही है ना? तो आग तो बंगले में लगी हुई है। आग तो बंगले में भी लगी हुई है। अच्छा, झोपड़ी छोटी सी है, बंगला बहुत बड़ा है। तो किसकी बुझाएगी? बंगले के अंदर ही तो झोपड़ी है। फैमिली तो कम नहीं, बंगले के बाहर है, रोड के इस साइड बंगला है, उस साइड झोपड़ी है। उस साइड झोपड़ी है, तो पहले आग किसकी बुझाएगी एम्बुलेंस आके? किसकी बुझाई जाएगी? हाँ, मेरे हिसाब से झोपड़ी की बुझाई जाएगी। एम्बुलेंस थोड़ी आग बुझाएगी यार। एम्बुलेंस सही यार, सही पकड़े हो बिल्कुल भैया जी, सही पकड़े हैं। क्या यार बताओ, एम्बुलेंस की भी आग बुझाती होगी? क्वेश्चन रिपीट कीजिए। बंगलो में आग लगी है, झोपड़ी में आग लगी है, एम्बुलेंस पहले किसकी आग बुझाएगी, बंगलो की या झोपड़ी की? दोनों में एक साथ आग लगी हुई है, नहीं बुझाएगी किसी, एम्बुलेंस आग नहीं बुझाती है। क्या बात है यार, गुड कॉमन सेंस। झोपड़ी की पहले? क्यों सर? छोटे लोगों को भी पहले प्रेफरेंस देना चाहिए, बड़े लोग तो अपने लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही देगा। अगर मान लो कोई जुगाड़ी नहीं है उस बंगलों में, उसमें कोई जुगाड़ी ना हो तो और आग ज्यादा आग झोपड़ी में लगेगी, सीमेंट वाले में तो एक है, मतलब काफी इंटीरियर होता है जो बंगलों के अंदर भी जो जलता है, तो डिपेंड करता है लगेगी किस साइड से, आउटर साइड से आग जल्दी पकड़ेगी। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन, आपका आंसर रहेगा झोपड़ी। झोपड़ी आपका? झोपड़ी है। पक्का? पक्का।
बंगलों में क्यों नहीं बुझानी बुझाई जानी चाहिए, आप रीजन दीजिए कोई। क्योंकि सर जैसे झोपड़ी होगी उसमें ज़्यादा लकड़ी वगैरह लगी होगी, उसको जल्दी आग कैच कर लेगी। ओके, जबकि जो बंगलो है उसको सीमेंट वगैरह से मटेरियल से बना हो तो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ेगी। पर इंटीरियर तो होता है ना पिछले, इंटीरियर लेकिन जो जो उसका मटेरियल होता है सीमेंट वगैरह होता है वो इतनी जल्दी नहीं पकड़ेगी सर। अच्छा, तो आपका पक्का आंसर यही है कि झोपड़ी की आग बुझाएगी। अब आंसर मैं दूंगा आपको, एम्बुलेंस ना तो इसकी आग बुझाएगी ना झोपड़ी बुझाएगी, क्योंकि एम्बुलेंस आग बुझाती ही नहीं है। एम्बुलेंस आग नहीं बुझाती, एम्बुलेंस आग नहीं बुझाती है।